हे दोस्तों, मैं आपका टॉप रिपोर्टर में स्वागत करता हूँ। ये जो वीडियो है आप सभी स्टूडेंट के लिए है जो महाराष्ट्र के हैं या महाराष्ट्र में एडमिशन लेना चाहते हैं। यहाँ पर उन्होंने मैप ऑफ ब्राउन का प्रोसीजर दिया गया है जो मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा जो है dmat.org। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोसीजर ऑफ मैप ऑफ ब्राउन दिया गया है। ये जो नोटिफिकेशन है इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दी गई है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं मैप ऑफ ब्राउन के लिए। ऑल द कैंडिडेट एडमिटेड इन फर्स्ट राउंड एज वेल एज इन सेकेंड राउंड आर सिक्योर द एडमिशन। यानी आपको राउंड वन या राउंड टू में एडमिशन मिल चुका है तो आप एलिजिबल हैं मैप ऑफ ब्राउन के लिए। सेकेंड देखेंगे, ऑल द कैंडिडेट हु आर वेट लिस्टेड एंड टू हुम चॉइस आर नॉट एबल ड्यूरिंग फर्स्ट राउंड एंड सेकेंड राउंड। यानी आप में से जो स्टूडेंट वेट लिस्टेड हैं और जिनको चॉइस अवेलेबल नहीं था, आप सभी भी एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं कौन से स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है मैप ऑफ ब्राउन के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, दोज हु हैव सबमिटेड द स्टेटस रजिस्ट्रेशन फॉर्म इन फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड। और सेकेंड यहाँ दिया गया है कि दोज हु वेयर सेलेक्टेड इन फर्स्ट राउंड बट फेल टू टेक एडमिशन। यानी आपने राउंड वन में कॉलेज मिल चुका था लेकिन आपने एडमिशन नहीं लिया तो आप एलिजिबल नहीं हो। फिर तीसरा है, दोज हु वेयर सेलेक्टेड इन फर्स्ट राउंड बट कैंसिल द एडमिशन। यानी आपने एडमिशन कैंसिल कर दिया है तो भी आप मैप ऑफ ब्राउन के लिए एलिजिबल नहीं हो। फिर आपने रिजाइन कर लिया सीट तो भी आप एलिजिबल नहीं है। उसी प्रकार से सेकेंड राउंड में आपको कॉलेज मिला पर आपने रिजिग्नेशन कर लिया, कैंसिल कर लिया या एडमिशन नहीं लिया तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। और लास्ट कंडीशन है कि ऑल इंडिया कैटेगरी में से जो स्टूडेंट सिलेक्ट हो चुके हैं सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में, उन्हें भी मैप ऑफ राउंड के लिए एलिजिबल नहीं किया जाएगा। फिर अब बात करते हैं प्रोसीजर क्या है मैप ऑफ राउंड के लिए। तो वैकेंसी जो है वह पब्लिश होगी 20 अगस्त यानी कि कल आफ्टर 2 PM। तो जैसे और भी डिटेल आता है मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। फिर सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर ऑन 21 अगस्त आफ्टर 8 PM। फिर लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज 23 अगस्त टू 26 अगस्त अप टू 5 PM। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही और भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स के लिए आप वेबसाइट को ज़रूर चेक करते रहिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट कर बता सकते हैं। साथ ही ये वीडियो आप अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि आपके दोस्त भी अपडेट रहें। हमारे चैनल टॉप रिपोर्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसी वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहें। धन्यवाद।